नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर यह बताऊँगा कि ये जो स्क्रीन, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, ये जो स्क्रीन का जो कलर है, जैसे अभी देख सकते हैं ब्लू कलर है, तो इसको अलग कलर में कैसे चेंज करेंगे और दो कलर्स में इसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, ब्लू में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, ब्लैक में कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कीजिए और ये जो स्क्रीन का कलर अभी ब्लू दिखाई दे रहा है, मैं इसे चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑफिस बटन, ये जो कॉर्नर पोर्शन में आप देख रहे हैं, इसे ऑफिस बटन बोलते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन जो ये मेनू उभर कर आएगा, कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। यहाँ पे क्लोज, उसके बाद नीचे देखेंगे वर्ड ऑप्शंस और एग्जिट वर्ड दिया हुआ है। तो वर्ड ऑप्शंस में आप क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ देखिए वर्ड ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स इस तरफ खुल जाएगा। यहाँ देखिए अलग अलग सा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वर्ड ऑप्शंस के अंदर पॉपुलर है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव है। तो आपको ये जो पॉपुलर है, अगर सिलेक्टेड है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है, मान लीजिए डिस्प्ले है, तो पॉपुलर पे क्लिक कीजिए। करने के बाद राइट हैंड साइड में जो स्क्रीन दिखाई देगा आपको, वहाँ देखिए चेंज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इन वर्ड। यहाँ पे थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए टॉप ऑप्शंस फॉर वर्किंग विथ वर्ड, यहाँ पे देखिए कलर स्कीम दिया हुआ, कलर स्कीम अभी दिखाई दे रहा है। इसके बॉक्स में देखिए ब्लू लिखा हुआ है। इसके ठीक डाउन बटन है, उसके बॉक्स में कलर स्कीम में जाके उसका डाउन, यहाँ भी इस बॉक्स में देखिए डाउन बटन दिया हुआ, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन और दिखाई देगा, दो कलर्स और दिखाई दे रहा है, एक सिल्वर एक ब्लैक। अगर मैं सिल्वर पे क्लिक करता हूँ, सिल्वर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद नीचे ओके का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जो स्क्रीन का कलर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्क्रीन का कलर है, ये देखिए सिल्वर कलर में चेंज हो गया। अब देख सकते हैं कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, सिल्वर कलर में चेंज हो गया। अब उसी तरह मान लीजिए इसे मुझे ब्लैक में करना है, तो क्या करेंगे, अगेन आप ऑफिस बटन में क्लिक कीजिए। करने के बाद नीचे आइए, नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे वर्ड ऑप्शंस है, उस पर क्लिक कीजिए। फिर पॉपुलर वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसके बाद पॉपुलर को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कलर स्कीम, यहाँ देखिए टॉप ऑप्शन फॉर वर्किंग विथ वर्ड, उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, यहाँ देखिए कलर स्कीम दिया हुआ, उसका एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई देगा कलर स्कीम का, वहाँ सिल्वर लिखा है, उसका डाउन बटन पर क्लिक कीजिए। अब ब्लू सिल्वर तो आपने देख लिया, ब्लैक पे क्लिक कीजिए, ब्लैक, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। नीचे ओके का बटन रहेगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए स्क्रीन का जो कलर है, दिख रहा होगा आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक। अभी देखिए स्क्रीन का कलर ब्लैक में चेंज हो गया, तब्दील हो गया। अब बोलिएगा नहीं, जैसा पहला ब्लू था उसी तरह का करना है फिर अगेन, तो सेम टू सेम अगेन आप ऑफिस बटन में जाइए, नीचे आइए, ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे, न्यू ओपन, ये सब ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद वर्ड ऑप्शंस में जाइए, क्लिक कीजिए, उसके बाद वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए कलर स्कीम दिया है ब्लैक, इस टॉप ऑप्शंस फॉर वर्किंग विद वर्ड दिया, पॉपुलर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कलर स्कीम में जाइए, उसके बाद इस ब्लैक जो लिखा हुआ है इस बॉक्स में, उसके बगल में आपको डाउन बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। फिर ब्लू पे क्लिक कर दीजिए, ब्लू सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए, तो पहले की तरह ब्लू स्क्रीन आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के अंदर अपने स्क्रीन को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं, एकदम इजी और ये आसान तरीका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो कम से कम आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो कम से कम डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।